नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। रोजगार से जुड़े टॉप 5 वैकेंसी में हम आपसे बात करेंगे। इंडियन नेवी, गोवा यूनिवर्सिटी, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद, यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडियन नेवी की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है ट्रेड्समैन। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 1159 है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो अभ्यर्थियों के पास मैट्रिक या ITI की डिग्री होना अनिवार्य है। उम्र सीमा की बात करें तो 18 से 25 साल तय की गई है। वहीं एप्लीकेशन फीस की बात करें तो UROBC को ₹225 और बाकी सभी श्रेणी के लोगों को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। आखिरी तारीख 7 मार्च 2021 है। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर ले सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे गोवा यूनिवर्सिटी की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है मल्टीटास्किंग स्टाफ, लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर इंजीनियर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 62 है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो अभ्यर्थियों के पास 10+2 या बैचलर्स डिग्री का होना अनिवार्य है। उम्र सीमा की बात करें तो अधिकतम उम्र सीमा 45 साल तय की गई है। वहीं एप्लीकेशन फीस की बात करें तो अभ्यर्थियों को ₹200 आवेदन शुल्क के रूप में देना होगा। आखिरी तारीख 8 मार्च 2021 तय की गई है। वहीं इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए अभ्यर्थियों से निवेदन है कि वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जाकर क्लिक करें। इसके बाद अब हम बात करेंगे डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है असिस्टेंट मैनेजर, जूनियर मैनेजर, एग्जीक्यूटिव। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 59 है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो अभ्यर्थियों के पास CA या MBA या MCA या MTech या PGDBA या PGDBM या BCom या BBA या BE या BTech की डिग्री होना अनिवार्य है। उम्र सीमा की बात करें तो 18 से 30 साल के अभ्यर्थी इन पदों के लिए आवेदन भर सकते हैं। वहीं एप्लीकेशन फीस की बात करें तो असिस्टेंट मैनेजर और जूनियर मैनेजर पद के लिए UROBC EWS को ₹1000 देने होंगे और बाकी सभी श्रेणी को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए UROBC EWS को ₹900 देने होंगे और बाकी सभी श्रेणी के लोगों को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। आखिरी तारीख 15 मार्च 2021 तय की गई है। इच्छुक उम्मीदवार से निवेदन है कि वो इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जाकर एक बार जरूर क्लिक करें। इसके बाद अब हम बात करेंगे इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है असिस्टेंट सिस्टम इंजीनियर, टेक्निकल ऑफिसर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, प्लेसमेंट ऑफिसर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 21 है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो अभ्यर्थियों के पास स्नातक या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन रेलेवेंट सब्जेक्ट में होना अनिवार्य है। उम्र सीमा की बात करें तो अधिकतम उम्र सीमा 50 साल तय की गई है। वहीं एप्लीकेशन फीस की बात करें तो आवेदकों को ₹1000 आवेदन शुल्क के रूप में देना होगा। आखिरी तारीख 20 मार्च 2021 तय की गई है। वहीं इच्छुक आवेदक को सलाह दी जाती है कि वे इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए नीचे एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जरूर क्लिक करें। इसके बाद हम बात करेंगे यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है सुपरवाइजर, फोरमैन, असिस्टेंट मैनेजर, डिप्यूटी मैनेजर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 48 है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो डिप्लोमा या फिर ग्रेजुएशन या PG की डिग्री होना अनिवार्य है। उम्र सीमा की बात करें तो अधिकतम उम्र सीमा 50 साल तय की गई है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो आवेदकों को ₹500 आवेदन शुल्क के रूप में देना होगा। आखिरी तारीख 20 मार्च 2021 तय की गई है। वहीं इच्छुक आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वो इस वैकेंसी नोटिस से जुड़ी सभी आवश्यक बातों की विस्तृत जानकारी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर एक बार जरूर क्लिक करें। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।